एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर बेसिस एंड डायमेंशन। इससे पहले हम बेसिस और डायमेंशन की एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ बेसिस, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स की थी। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और थ्योरम हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एस इज अ बेसिस फॉर द स्पेस वी थ्री आर, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा रिलेटेड टू द बेसिस। हमने लास्ट वीडियो में बेसिस की डेफिनेशन की थी। बेसिस क्या होता है कि अगर vf कोई वेक्टर स्पेस है, vf के अंदर कोई भी एक सबसेट है, vf कोई वेक्टर स्पेस है, vf का सबसेट है s, अगर ये सबसेट li है और ls इज इक्वल टू v है, देन ये सबसेट बेसिस कहलाता है और इस बेसिस के नंबर ऑफ वेक्टर डायमेंशन ऑफ वी एफ कहलाता है। ये हमने किया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल भी दिए थे, उसी एग्जांपल का ही आगे का पार्ट है। शो दैट एस इज इक्वल टू, एस में वेक्टर गिवन है, इज अ बेसिस, तो एस को अब बेसिस प्रूव करना है। इसके लिए फॉर द स्पेस वी थ्री आर, वी थ्री आर का बेसिस प्रूव करना है। शो दैट एस इज अ बेसिस फॉर द स्पेस वी थ्री आर। और देखो, मैंने आपको एक और बात बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर हमें सिर्फ वी आर लिखा होता तो हमें दोनों पार्ट प्रूव करने होते कि एस एल आई होता, एस को एल आई भी प्रूव करना होता और एल एस इजिकल टू वी, ये दोनों पार्ट प्रूव करने होते। लेकिन अगर हमें वी की जगह वी टू आर, वी थ्री आर, वी फोर आर इस तरह से लिखा हुआ है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड बेसिस होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड बेसिस होगा। इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म। अब अगर इसका स्टैंडर्ड बेसिस है तो एस अपने आप बेसिस हो जाएगा, क्योंकि वी को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं एस के वेक्टर के, तो एस अपने आप बेसिस हो जाएगा। तो हमें अगर यहाँ पर वी टू वी थ्री ये सब गिवन है तो हमें सिर्फ एल आई प्रूव करना है। अगर यहाँ पर ओनली वी आर होता तो हमें एल एस इक्वल टू वी भी प्रूव करना होता। ठीक, तो पहले कंडीशन तो हमें एस को एल आई प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा। अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कब, अल्फा के कोऑर्डिनेट। अल्फा की वैल्यू 3 1 -4 जो कि वी थ्री का वेक्टर है, रिलेटिव टू द बेसिस। बेसिस हमें, अब ये बेसिस है हमारे पास 1 1 1 0 1 1, अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो 1 0 0 0 1 0, लेकिन बेसिस 1 1 1, बेसिस का मतलब एस हो गया ना, रिलेटिव टू द बेसिस, बेसिस एस है, एस के वेक्टर हमारे पास क्या है 1 1 1 0 1 1 0 0 1। तो अल्फा के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके लिए, एस के लिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो वही है हमारे पास जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि एस को हमें बेसिस प्रूव करना है, मीन्स एस को एल आई प्रूव करना है। तो स्टार्टिंग क्या करेंगे हम, लेट वी थ्री आर बी अ वेक्टर स्पेस, लेट एस इज इक्वल टू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, ये क्या है, सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ वी थ्री आर, वी थ्री आर का सबसेट है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, दो पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट, एस इज अ बेसिस ऑफ वी थ्री आर, वी थ्री आर, तो इसके दो पार्ट प्रूव करने होंगे। फर्स्ट दैट इज टू प्रूव एस इज एल आई एंड सेकेंड एल एस इज इक्वल टू वी थ्री आर। सेकेंड पार्ट तो अपने आप प्रूव है, क्यों प्रूव है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है। इसका मीन्स क्या हुआ, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी थ्री आर क्या होंगे इसके, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये तो अपने आप ही लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, हमें सिर्फ प्रूव करना है एस इज एल आई, एस को एल आई प्रूव करना है। अब एल आई प्रूव करने के लिए ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब अल्फा वन अल्फा टू, एस के वेक्टर हमने अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री लिए, अल्फा वन की वैल्यू 1 1 1, अल्फा टू की वैल्यू 0 1 1, अल्फा थ्री की वैल्यू 0 0 1, तो ए वन अल्फा वन की जगह 1 1 1, ए टू अल्फा टू की जगह 0 1 1,
एंड ए थ्री अल्फा थ्री की जगह 0 0 1 इजिकल टू 0 वेक्टर को हमने 0 0 0 लिख लिया। a1 एंड a1 प्लस 0 a2 a2 प्लस 0 0 a3 इजिकल टू 0 0 एंड 0। एडिशन करें तो फर्स्ट a1 सेकेंड और थर्ड 0 कॉमा में फर्स्ट a1 प्लस a2 थर्ड 0 फिर कॉमा में फर्स्ट a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। इक्वलिटी लगाएं तो a1 इक्वल 0 a1 प्लस a2 इक्वल 0 a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अगर a1 0 है तो a2 0 हो गया, अगर a1 और a2 0 है तो a3 0 हो गए। ओके a1 0 तो a2 0, a1 और a2 0 है तो a3 0 हो गया। अगर सारे के सारे स्केलर 0 आ जाए फॉर ऑल ai इक्वल टू 0 तो s क्या हो जाएगा हमारे पास वही हो जाएगा। सेकंड पार्ट तो हमें करना नहीं है, हैंस s इज अ बेसिस ऑफ b3 r। अब देखो यहाँ तक का क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसके बाद का क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा, अल्फा के कोऑर्डिनेट फाइंड करने रिलेटिव टू द बेसिस s। अब s के बेसिस हमने क्या लिए, α1 α2 α3 लिए। नाउ हमारे पास s के वेक्टर क्या है, α1 α2 और α3 है, ये s के वेक्टर है। हम v3r का कोई एक वेक्टर लेते हैं, मान लिया अल्फा हमें जो गिवन है वो v3r का वेक्टर है। तीन स्केलर ले लेते हैं हम, एंड तीन स्केलर लिए हम, a1 a2 तो ले चुके हैं तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, हम b1 b2 b3 फाइंड करें। ये स्केलर हो गए, इसके आरपीडी होगी। अब अल्फा किसके इक्वल होता है, नाउ अल्फा इज इक्वल टू a1 α1 a2 α2 एंड a3 α3। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 3 1 -4, अल्फा की जगह 3 1 -4। यहाँ पर a1 की जगह क्या देगा, b1 b2 एंड b3। इज इक्वल टू b1। अब कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है, स्केलर वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास यहाँ पर, b1 b2 b3। कोऑर्डिनेट स्केलर वैल्यू होती है, वेक्टर नहीं होते। तो हमें स्केलर फाइंड करने हैं, अल्फा के स्केलर फाइंड करने हैं कब, अगर वेक्टर α1 α2 α3 है तो। तो अल्फा इज इक्वल टू b1 α1 α1 हमारे पास क्या था 1 1 1, b2 α2 0 1 1 और b3 α3 0 0 1। सॉल्व किया तो b1 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 इसी तरह से 0 b2 b2 प्लस में 0 0 एंड b3। अभी हमने क्या था ना, एक लिए तो हमारा सॉल्यूशन क्या था, b1 b1 प्लस b2 और b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू 3 1 -4। इक्वलिटी लगाए तो b1 इज इक्वल टू 3, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 1, b1 3 है तो b2 क्या हो गया हमारे पास 1 -3 एंड b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू -4। तो b3 क्या हो गया -4 माइनस b1 प्लस b2 b1 3 और b2 -2। इट मीन्स b3 क्या हो गया हमारे पास -4 और माइनस का 1, इट मीन्स -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अल्फा, अल्फा के कोऑर्डिनेट क्या हुए, b1 b2 b3 थे, b1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, b2 की वैल्यू -2 एंड b3 की वैल्यू -5। ओके आगे समझ में क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर px, px के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। px की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x² - 5x + 6 ऑफ p2x। ये किसको बिलोंग करता है, p2x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, p2x है क्या पॉलिनोमियल का सेट है ओवर r जिसमें रियल नंबर r लेने हैं, यानी जो स्केलर है वो रियल नंबर है, डिग्री लेस देन इक्वल टू। अब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जो पावर 2 में पावर 3 में एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन जो पॉलिनोमियल हमें लेना है वो पावर 2 मैक्सिमम उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पावर 2 में होनी चाहिए, यानी x² + x + 2 हो सकता है रिलेटिव टू इट्स बेसिस। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके बेसिस के रिलेटिव ही फाइंड करना है, यानी हमें बेसिस गिवन होने चाहिए। बेसिस क्या है, 1 x - 1 और x² - यानी s एक बेसिस है जिसके वेक्टर हमारे पास क्या है 1 x - 1 x² - x + 1।
सेम क्वेश्चन ना कि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यहाँ पर अल्फा था पीछे वाले क्वेश्चन में, अल्फा की जगह पी एक्स हो गया रिलेटिव टू ऑफ पी टू एक्स, पी टू एक्स वी थ्री आर की जगह हो गया, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर आर विद डिग्री रिलेटिव टू इट्स बेसिस एस इक्वल टू, सेम क्वेश्चन होगा ना, तो हम इसे सेम मेथड से ही करेंगे। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स फाइंड करने हैं, तो हमने मान लिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स, पी एक्स के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए ए वन ए टू ए थ्री, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, टू है, तीन वेक्टर है ना, वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट तीन ही होंगे ए वन ए टू ए थ्री। पी टू एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस हुआ, लेट पी टू एक्स इज अ वेक्टर स्पेस, ओके। अब हमें बेसिस फाइंड करने हैं, बेसिस क्या, लेट एस इज अ बेसिस ऑफ, हमें गिवन है यहाँ पर बेसिस है, बेसिस ऑफ पी टू एक्स, ओके। देन एस इज, एस क्या होगा, एल आई होगा, देन अब हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू इसके को लगेगा ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, यहाँ पर एस के वेक्टर क्या है हमारे पास, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, यानी अल्फा वन की वैल्यू वन, अल्फा टू की वैल्यू एक्स माइनस वन एंड अल्फा थ्री की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, समझ में आ रहा है ना, सेम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर वी की जगह पी एक्स शो कर दिया, तो पी एक्स की वैल्यू देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये बिलोंग करते हैं पी टू एक्स को, यानी ये एक वेक्टर ही है, इज इक्वल टू ए वन अल्फा वन, ए वन अल्फा वन की जगह वन आ जाएगा, ए टू अल्फा टू, अल्फा टू की जगह एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस ए थ्री अल्फा थ्री, अल्फा थ्री की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ब्रैकेट ओपन किया तो ए वन प्लस ए टू एक्स माइनस ए टू प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स प्लस ए थ्री, ओके। इसको अगर हम एडजस्ट करें तो एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म हमारे पास ए टू माइनस ए थ्री एक्स, और विदाउट एक्स ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। कंपेरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का, एक्स के कोएफिशिएंट का और कॉन्स्टेंट का, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट। अगर हम एक्स स्क्वायर का कंपेरिजन करें तो देखो ए थ्री हमारे पास टू के इक्वल आ जाएगा, एक्स का कंपेरिजन करें तो ए टू माइनस ए थ्री माइनस फाइव के इक्वल आ जाएगा, अगर ए थ्री टू है तो ए टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस टू, माइनस फाइव प्लस टू यानी माइनस थ्री, और नेक्स्ट ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री हमारे पास सिक्स के, ये कॉन्स्टेंट का कंपेरिजन हो गया, तो ए वन की वैल्यू क्या होगी, सिक्स प्लस ए टू माइनस ए थ्री, इट मीन्स ए वन की वैल्यू क्या हुई, सिक्स प्लस ए टू, ए टू की जगह माइनस थ्री और माइनस ए थ्री, थ्री टू फाइव सिक्स माइनस फाइव वन, तो ए वन की वैल्यू वन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए वन ए टू और ए थ्री, वन माइनस थ्री एंड टू। नेक्स्ट देखो हम एक और टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्वेश्चन स्पेस, क्वेश्चन स्पेस हमने क्वेश्चन रिंग क्वेश्चन ग्रुप्स ये सब पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन स्पेस क्या होता है, अब देखो इसकी डेफिनेशन लेट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, इसके लिए हमें वेक्टर स्पेस वेक्टर सब स्पेस की जरूरत पड़ेगी, लेट वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस, वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, लेट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी एफ, डब्ल्यू वी एफ का कोई सब स्पेस है ऑफ वी एफ, तो जो क्वेश्चन स्पेस है वो क्या होता है, देन वी अपॉन डब्ल्यू इज अ क्वेश्चन स्पेस, तो ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन स्पेस कहलाता है, ठीक। और वी अपॉन डब्ल्यू में जो वेक्टर होते हैं इसमें को सेट आते हैं, को सेट मैं आपको ग्रुप थ्योरी की बुक में करवा चुकी हूँ, आप मेरी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाके को सेट के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हो,
वी अपॉन डब्ल्यू में कोसेट्स आते हैं। अब कोसेट की जगह हम डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं वी अपॉन डब्ल्यू, इसमें वेक्टर क्या होंगे डब्ल्यू प्लस अल्फा, जहां पर अल्फा वी का वेक्टर होगा। ओके, वी अपॉन डब्ल्यू में वेक्टर क्या होंगे डब्ल्यू प्लस वी का वेक्टर, जहां पर अल्फा वी को बिलोंग करेगा। अगर वी अपॉन डब्ल्यू एक क्वेश्चन स्पेस है तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा, यानी दो जब वेक्टर को ऐड करते हैं वी अपॉन डब्ल्यू के दो वेक्टर को ऐड किया तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, यानी डब्ल्यू और डब्ल्यू को ऐड करने पे डब्ल्यू ही आता है, अल्फा और बीटा हमारे पास ऐड हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है ए डब्ल्यू प्लस अल्फा, यानी किसी स्केलर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर किसका हुआ डब्ल्यू प्लस अल्फा यानी वी अपॉन डब्ल्यू का, तो इसका सॉल्यूशन कहता है डब्ल्यू प्लस ए अल्फा, इट मीन स्केलर का जो मल्टीप्लाई होगा वो ओनली अल्फा के साथ होगा, यहाँ पर फॉर ऑल अल्फा बीटा वेक्टर है और ए स्केलर होगा। ओके, ये क्या लगता है क्वेश्चन स्पेस, ये जो डब्ल्यू प्लस अल्फा लिया है या डब्ल्यू प्लस बीटा लिया है ये वी अपॉन डब्ल्यू के वेक्टर है और वी अपॉन डब्ल्यू में सारे के सारे कोसेट्स ही आते हैं, यानी जितने कोसेट होंगे वो वी अपॉन डब्ल्यू के एलिमेंट होंगे। ओके, आगे समझे, क्वेश्चन स्पेस वी कोई वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, तो वी अपॉन डब्ल्यू क्वेश्चन स्पेस कहलाता है, वी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू प्लस अल्फा के इक्वल होती है, जहां पर अल्फा वी को बिलोंग करता है, और क्वेश्चन स्पेस की ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसी से रिलेटेड हम थ्योरम करते हैं, तो देखो थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस Vf, अगर W V का कोई सबस्पेस है देन द सेट V अपॉन W, तो V अपॉन W जो सेट होगा ऑफ ऑल कोसेट ऑफ W, W के जितने भी कोसेट होंगे इन V, V में इज ए वेक्टर स्पेस, तो V अपॉन W एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, इसके लिए वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए, जहां पर हमें क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो हमें पता है वी अपॉन डब्ल्यू क्वेश्चन स्पेस होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी हमें वी अपॉन डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। वेक्टर स्पेस हमारे लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर, हमने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था। वेक्टर स्पेस क्या होता है, जो पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, फर्स्ट एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप, सेकेंड मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटला फॉर स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटला, डिस्ट्रीब्यूट लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये पांच प्रॉपर्टी हमने की थी, और आइडेंटिटी लॉ, ये पांचों प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की होती है। अगर वी अपॉन डब्ल्यू इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दें तो वी अपॉन डब्ल्यू वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस, क्वेश्चन स्पेस की पूरी डेफिनेशन यहाँ लिख देनी है, लेट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ, देन वी अपॉन डब्ल्यू इज अ क्वेश्चन स्पेस जिसकी वैल्यू हमें पता है डब्ल्यू प्लस अल्फा की फॉर्म में होती है, अल्फा वी का वेक्टर है। ओके, प्रूव क्या करना है, वी अपॉन डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, इज अ वेक्टर स्पेस, ये हमें प्रूव करना है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एबिलियन ग्रुप, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिशन के लिए एबिलियन यानी एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स और कॉम्यूटेटिव लॉ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें तीन वेक्टर लेने हैं, हमें वी अपॉन डब्ल्यू के लिए प्रूव करना ना, तो वी अपॉन डब्ल्यू के तीन वेक्टर डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू प्लस गामा, ये वी अपॉन डब्ल्यू के तीन वेक्टर लिए, तो हमें प्रूव क्या करना है डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा और प्लस में W प्लस गामा, आंसर क्या आना चाहिए, अल्फा अलग से बीटा और गामा एक साथ होने चाहिए। तो देखो क्वेश्चन बाय प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है या क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और W प्लस गामा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा बी के वैक्टर होंगे। अगेन देखो क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगाई, तो W प्लस सिंगल टाइम, अल्फा प्लस बीटा एक साथ गामा अलग से, अब इसी को W प्लस अल्फा बीटा गामा V के एलिमेंट है, V एक वेक्टर स्पेस है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्वेश्चन स्पेस की इक्वलिटी के अकॉर्डिंग यानी लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलते हैं, तो देखो W प्लस अल्फा, अल्फा की जगह तो अल्फा, बीटा की जगह बीटा प्लस गामा,
फिर से क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन, तो W प्लस अल्फा में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बीटा प्लस गामा है तो इसे W प्लस बीटा, W प्लस गामा, जो कि हमें प्रूव करना था। सेकेंड आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या था, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, ए की जगह वी अपॉन डब्ल्यू का कोई वेक्टर डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो ए की जगह तो हमारे पास क्या आएगा ए प्लस जीरो, हमें वी अपॉन डब्ल्यू के लिए करना है तो अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू अल्फा। ओके, अल्फा की जगह हमारे पास क्या देगा डब्ल्यू प्लस अल्फा, प्लस जीरो वैक्टर की जगह क्या देगा डब्ल्यू प्लस जीरो, सोल्यूशन क्या आना चाहिए अल्फा यानी डब्ल्यू प्लस अल्फा। क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगाई, तो दिस अल्फा बी का वेक्टर है और जीरो बी का वेक्टर है, तो अल्फा में आइडेंटिटी को ऐड किया तो अल्फा आएगा, आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या होता है, अल्फा में अल्फा का इनवर्स ऐड किया तो आइडेंटिटी आना चाहिए, अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस माइनस अल्फा, आंसर क्या आना चाहिए जीरो। इट मीन्स इसे सॉल्व किया तो W प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, अल्फा V का वेक्टर है तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर, इनवर्स लॉ सेटिस्फाइड हो गया। एंड फोर्थ कॉम्यूटेटिव लॉ, आसान है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, A प्लस बी इजिकल टू, यानी अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा की जगह W प्लस अल्फा, बीटा की जगह W प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा वी के वेक्टर है तो अल्फा प्लस बीटा को हम बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, इसी को हम डब्ल्यू प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ओके, इट मीन्स वी अपॉन डब्ल्यू एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाइड करेगा, वी अपॉन डब्ल्यू इज एबेलियन ग्रुप फॉर एडिशन, एडिशन के लिए एबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाइड करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है वी अपॉन डब्ल्यू की, सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट लॉ फॉर स्केलर एडिशन, स्केलर एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट लॉ, यानी स्केलर को तो ऐड करना है वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो स्केलर ए प्लस बी तो स्केलर हो गए, ए और बी हमने स्केलर ले लिए, और वेक्टर क्या लिया डब्ल्यू प्लस अल्फा हमने v अपॉन डब्ल्यू का वेक्टर ले लिया, तो a प्लस बी की जगह a प्लस बी, अल्फा की जगह w प्लस अल्फा, आंसर क्या आना चाहिए a अल्फा प्लस b अल्फा। तो देखो a प्लस बी w प्लस अल्फा, a प्लस बी स्केलर है तो स्केलर का मल्टीप्लाई सिर्फ वेक्टर के साथ होगा। तो देखो a प्लस बी अल्फा ये वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे, तो इसे हम a अल्फा प्लस b अल्फा लिख सकते हैं, क्वेश्चन स्पेस के अकॉर्डिंग इसे हम w प्लस a अल्फा प्लस W प्लस बी अल्फा लिख सकते हैं, W प्लस ए अल्फा को ए W प्लस अल्फा, W प्लस बी अल्फा को हम बी W प्लस अल्फा लिख सकते हैं। ओके, तो ए W प्लस अल्फा प्लस बी W प्लस अल्फा, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। अब स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो वेक्टर का एडिशन होगा, तो वेक्टर W प्लस अल्फा W प्लस बीटा इनका तो एडिशन हो गया, यानी क्या होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा डॉट ए, सॉरी ए डॉट अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू ए अल्फा प्लस बी ए बीटा, ये सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ए डॉट अल्फा की जगह W प्लस अल्फा, बीटा की जगह W प्लस बीटा, जिसे हम W प्लस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ए का मल्टीप्लाई करना है तो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, ए स्केलर है, अल्फा और बीटा वेक्टर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए अल्फा प्लस ए बीटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस ए अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस ए बीटा। ओके, ए कॉमन आ गया हमारे पास डब्ल्यू प्लस अल्फा, प्लस ए कॉमन आ गया डब्ल्यू प्लस बीटा, कॉमन का मीन्स क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन, क्लियर। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव लॉ फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या था ए बी अल्फा, तो ए और बी तो स्केलर हो गए, ए और बी स्केलर, अल्फा वेक्टर, अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस अल्फा वेक्टर हो गया, तो ए बी अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस अल्फा,
आंसर क्या आना चाहिए, ए बाहर, बी अल्फा। तो देखो स्केलर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, इसे हम ए बी अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाइड करते हैं। डब्ल्यू प्लस ए अल्फा, ए बाहर आ गया डब्ल्यू प्लस अल्फा, ए बाहर डब्ल्यू प्लस बी अल्फा, तो बी बाहर आ गया डब्ल्यू प्लस अल्फा, फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फिफ्थ आइडेंटिटी ला, अब आइडेंटिटी ला क्या होता है, वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो वन डॉट अल्फा की जगह डब्ल्यू प्लस अल्फा, वन स्केलर है तो स्केलर का मल्टीप्लाई किया वन डॉट अल्फा, यहाँ पर अल्फा वेक्टर है, वन को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा। पांचवा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, वी अपॉन डब्ल्यू एडिशन के लिए एबिलियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्केलर एडिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए, एसोसिएटिव लॉ स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए और आइडेंटिटी लॉ। तो हम क्या लिखेंगे, वी अपॉन डब्ल्यू पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं, तो हैंस वी अपॉन डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस। ओके आगे सामने क्लियर है, ये तो थी क्वेश्चन स्पेस से रिलेटेड थ्योरम। नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें डायमेंशन और क्वेश्चन स्पेस इन दोनों से रिलेटेड एक थ्योरम होगी जो हम नेक्स्ट अभी करेंगे। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम होगी, इफ डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ। डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था कि वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी एफ के अंदर बेसिस है, उस बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट वी एफ का डायमेंशन कहलाएगा। If W is a subspace of a finite dimensional vector space Vf, Vf एक finite dimensional vector space है, V का subspace W है, then हमें prove करना है dimension of V upon W is equal to dimension of V minus dimension of W। Last video में मैंने आपको dimension की एक theorem करवाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें dimension की form में prove करनी है left side और right side, तो किसी एक side में एक से ज़्यादा value होंगी जिसे हमें assume कर लेना है और देन दूसरी साइड हमें प्रूव करनी होगी। अब यहाँ देखो लेफ्ट साइड में एक ही वैल्यू है, राइट साइड में एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो हम एज्यूम कर लेंगे राइट हैंड साइड पे, यानी डायमेंशन ऑफ वी भी हम मान लेंगे और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। तो स्टार्टिंग लेट वी एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, लेट डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ वी एफ, देन हमें प्रूव क्या करना है, डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट डायमेंशन ऑफ वी को हम मान लेते हैं एन और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू को हम मान लेते हैं एन एम। ओके अब देखो डब्ल्यू वी का सबस्पेस है, तो W के वेक्टर, W V का सबस्पेस है तो V के अंदर ही W होगा, तो W के जो नंबर ऑफ वेक्टर है वो V के या तो इक्वल होंगे या V के वेक्टर से कम होंगे। इट मींस M की जो वैल्यू है या तो N के इक्वल होगी या N से स्मॉल होगी। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायमेंशन की थ्योरम करवाई थी जिसमें इंटरसेक्शन था, अब ये हमें पता है कि स्मॉल एलिमेंट किसमें है, W में है, तो हम सबसे पहले W का बेसिस लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, अब इसका डायमेंशन क्या बना, एक में से W के अंदर बेसिस होगा। ओके तो हमने क्या मान लिया, लेट S इज अ बेसिस ऑफ W, अब S बेसिस है तो S के नंबर ऑफ वेक्टर भी हमें पता है कि M होंगे, तो लेट S इज इक्वल टू S के नंबर ऑफ वेक्टर, M वेक्टर मानना है तो हमने क्या मान लिया, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन, समझ गए ना, जो कम वैल्यू है पहले हम उसे अज्यूम करेंगे फिर ज़्यादा की वैल्यू को। तो हमने S बेसिस W का ले लिया, S के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर n, इसका मीन्स क्या हुआ, W के अंदर एक सब बेसिस है S, इसके नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास कितने हैं, m तक है। ठीक अब अगर S बेसिस है, S इज ए बेसिस ऑफ W, अगर S बेसिस है देयरफॉर S क्या हो जाएगा हमारे पास, Li हो जाएगा, S इज Li सिंस S इज बेसिस ऑफ W, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं एंड एल एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक इसे मैं इक्वेशन नंबर वन लिखा। अब देखो एस एल आई सेट है, एल एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, अब एस एल आई किसके लिए, डब्ल्यू के लिए, और डब्ल्यू क्या है, वी का सबस्पेस है, यानी अगर हम डायमेंशन ऑफ वी को एन लेते हैं तो उसमें ये एम वैक्टर तो होंगे ही होंगे। देखो अगर ये वी है और ये डब्ल्यू है, तो अगर हमें वी के नंबर ऑफ वैक्टर लिखने हैं, इसके अंदर ही एस है, तो
अगर हमें v के नंबर ऑफ वेक्टर लिखने हैं या v के अंदर जो सबसेट लेंगे उसके नंबर ऑफ वेक्टर लिखने हैं, तो s के वेक्टर तो उसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, समझ गए ना। अगर हमें v के लिए नंबर ऑफ वेक्टर लिखने हैं तो उसमें s के और w के वेक्टर तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, प्लस एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कितने होंगे वो डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। तो हम क्या लेते हैं, हम एक और सबसे बेसिस लेते हैं, लेट एस डैश इज अ बेसिस ऑफ वी। इट मीन्स एस डैश के जो नंबर ऑफ वेक्टर होंगे वो एस के नंबर ऑफ वेक्टर तो होंगे ही होंगे, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा, लेकिन हमें टोटल वेक्टर कितने लेने हैं, एम, हमें टोटल वेक्टर कितने लेने हैं, एन लेने हैं, क्योंकि एस डैश वी का बेसिस है। तो इसके नंबर ऑफ वेक्टर, इसका डायमेंशन क्या है, हमारे पास एन है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेक्टर एन होने चाहिए। अब इसको एन तक कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बता सकते हो, इसको एन तक लेकर जाना है। तो हमने क्या ले लिया, बीटा वन, बीटा टू, हमें एन वेक्टर लेने हैं, तो हमें क्या पता चलेगा एन आएगा, हम एम को रिमूव कर देते हैं और एन को इंक्लूड कर देते हैं। तो टोटल वेक्टर कितने हुए, देखो एम प्लस में एन माइनस एम, तो एम से एम कट गया, टोटल वेक्टर कितने रह गए, एन रह गए। समझ में आया, डायमेंशन ऑफ वी और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू वी का सबस्पेस है, तो हमने पहले डब्ल्यू के वेक्टर, डब्ल्यू वी का सबस्पेस है, वी का डायमेंशन एन लिया, डब्ल्यू का डायमेंशन एम लिया, तो एम की जो वैल्यू है वो या तो एन के इक्वल होगी या एन से स्मॉल होगी। तो सबसे पहले हम जो बेसिस लेंगे वो डब्ल्यू का लेंगे, जिसमें कम एलिमेंट होते हैं, कम वैक्टर होते हैं, उसका बेसिस लेते हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू का बेसिस लेंगे जिसके नंबर ऑफ वैक्टर हमारे पास एम है, फिर हम वी का बेसिस लेंगे जिसके नंबर ऑफ वैक्टर एन होंगे लेकिन उसमें एम तक के वेक्टर यानी एस के वेक्टर इंक्लूड होंगे, उसका रीजन मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, अब एस डैश बेसिस है वी का, इट मीन्स एस डैश एल आई होगा और एस एल एस डैश इक्वल टू वी होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इज इक्वल टू क्या था, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, इट मीन्स डायमेंशन ऑफ v अपॉन w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये हमें प्रूव करना है। इसका मीन्स ये भी मैंने आपको बताया था, डायमेंशन प्रूव करने का मीन्स v अपॉन w के अंदर हम एक सेट लेंगे, सबसेट लेंगे, उस सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट n माइनस m होंगे, उस सबसेट को हमें बेसिस प्रूव करना होगा। ओके, सेम वीडियो डायमेंशन के लिए हमेशा ही ऐसे प्रूव करना होगा आपको, v अपॉन w एक क्वेश्चन स्पेस होता है, हमने क्वेश्चन के बारे में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन ग्रुप, क्वेश्चन रिंग, ये सब पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन स्पेस v अपॉन w क्वेश्चन स्पेस होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो w प्लस अल्फा की फॉर्म में होगी, जहां पर अल्फा v का वेक्टर, ये क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन होती है। हमें प्रूव क्या करना है कि v अपॉन w का डायमेंशन n माइनस m होना चाहिए, इट मीन्स v अपॉन w में एक सबसेट लेंगे, उस सबसेट के नंबर ऑफ वेक्टर n माइनस m होंगे। v अपॉन w में हमें क्या लेना है, एक सबसेट लेना है, ये v अपॉन w है हमारे पास, इसके अंदर हमें एक सबसेट लेना है, हमने मान लिया कि वो सबसेट c है, तो हमने क्या लिया, लेट c इज अ सबसेट ऑफ v अपॉन w। अब c के अंदर नंबर ऑफ वेक्टर कितने लेने हैं ये भी हमें पता है, n माइनस m, तो c इक्वल टू, और v अपॉन w में जो भी वेक्टर होंगे वो w प्लस की फॉर्म में होंगे, इसके अंदर जो भी वेक्टर होंगे वो w प्लस की फॉर्म में होंगे, c के अंदर भी वेक्टर w प्लस में होंगे क्योंकि c इज ए सबसेट ऑफ v अपॉन w, तो c के वेक्टर भी w प्लस में होंगे। कितने वेक्टर लेने हैं, n माइनस m। अब n माइनस m किस तरह से लेने हैं, मैंने आपको बताया था n माइनस एम, बीटा वन से बीटा n माइनस एम लिया था, तो हम क्या लेंगे, w प्लस बीटा वन, w प्लस बीटा टू एंड सो ऑन, w प्लस बीटा n माइनस एम, ये c के वेक्टर हो गए। ओके, c के वेक्टर हो गए, n माइनस एम हो गए ना, देखो वन टू थ्री एंड सो ऑन n माइनस एम। हमें प्रूव क्या करना है, दो पार्ट प्रूव करना है, नाउ टू प्रूव। अब c को बेसिस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि c एल आई होगा और दूसरा एल सी इज इक्वल टू वी अपॉन w, ये दो पार्ट करने हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास c इज एल आई, c को एल आई प्रूव करना है,
अब एल आई प्रूव करने के लिए ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू एंड सो ऑन। अब वेक्टर क्या है, सी के वेक्टर हमारे पास अल्फा वन अल्फा टू नहीं, डब्ल्यू प्लस बीटा वन डब्ल्यू प्लस बीटा टू एंड सो ऑन की फॉर्म है। तो हम क्या लिखेंगे, ए वन अल्फा वन की जगह डब्ल्यू प्लस बीटा वन, ए टू डब्ल्यू प्लस बीटा टू एंड सो ऑन, ए एन माइनस एम डब्ल्यू प्लस बीटा एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया ना, अगर हमने बीटा वन लिखा था तो ए वन, बीटा टू लिखा तो ए टू, बीटा एन माइनस एम तो ए एन माइनस एम। अब देखो वेक्टर स्पेस क्वेश्चन स्पेस, इसकी एक डेफिनेशन होती है कि अगर ए डब्ल्यू प्लस अल्फा है तो उसे डब्ल्यू प्लस ए अल्फा लिखा जाता है। ये सब हम कर चुके हैं, डब्ल्यू प्लस ए वन बीटा वन प्लस डब्ल्यू प्लस ए टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डब्ल्यू प्लस ए एन बीटा एन इज इक्वल टू जीरो। इसी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन। अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसका लेना है हमें, सी का वी अपॉन डब्ल्यू का ही लेना है। तो ये जीरो वेक्टर को हम लिख रहे हैं डब्ल्यू प्लस जीरो। ओके तो देखो डब्ल्यू प्लस दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जीरो। तो डब्ल्यू प्लस जीरो वेक्टर ये हमारे पास है। अब देखो डब्ल्यू प्लस यहाँ पर इसी को डब्ल्यू लिख सकते हैं ना, डब्ल्यू प्लस ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये भी मैंने आपको बताया हुआ ना कि अगर हमारे पास ए प्लस एच इज इक्वल टू एच आ जाए, इसका मीन्स क्या हुआ कि ए एच को ही बिलोंग करेगा तभी ये एच के इक्वल आ रहा है ना। डब्ल्यू प्लस दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू, इट मीन्स ये एलिमेंट डब्ल्यू का होगा तभी इन दोनों कंडीशन डब्ल्यू के इक्वल होगा। इट मीन्स ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम बिलोंग किसे करेगा, डब्ल्यू का। लेकिन डब्ल्यू के लिए हमने क्या लिया था, बट एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू, एस डब्ल्यू का बेसिस था, इट मीन्स एल एस इक्वल टू डब्ल्यू था। या हम ये कह सकते हैं डब्ल्यू के वेक्टर को एस के वेक्टर के लिए ना कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब एस में वेक्टर कितने थे हमारे पास, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा, इट मीन्स डब्ल्यू के वेक्टर को। अब यहाँ से देखो ये डब्ल्यू का वेक्टर है हमारे पास, डब्ल्यू के वेक्टर को यानी ए वन बीटा वन ए टू बीटा टू एंड सो ऑन ए एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम डब्ल्यू के वेक्टर को एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। अब इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हम ले लेते हैं स्केलर ए ले चुके हैं, तो बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन बी एम अल्फा एम, ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे ना एस के वेक्टर की, सारी वैल्यू को एक साइड में ले जाए। तो हमारे पास क्या आया सॉल्यूशन, ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम माइनस बी वन अल्फा वन माइनस बी टू अल्फा टू एंड सो ऑन माइनस बी एम अल्फा एम इज इक्वल टू जीरो। टोटल वेक्टर कितने हुए अगर हम काउंट करें, बी एम अल्फा एम इक्वल टू। अब यहाँ पर टोटल वेक्टर कितने हुए हमारे पास, देखो एन माइनस एम यहाँ तक है और एम ये है, तो एन माइनस एम प्लस एम यानी टोटल वेक्टर कितने हुए एन। अब एन वेक्टर हमने किस में लिए थे, एस डैश में लिए थे, ये लिया था ना। अब ये हमारे पास एस डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, किससे बिलोंग करेगा एस डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, बी को बिलोंग करेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस डैश, एस डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। एस डैश हमारे पास क्या है, एल आई है। अगर एस डैश एल आई है तो एस डैश के वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसे इक्वल जीरो करने पे, ये एल आई है तो सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स दैट मीन्स बी वन जीरो बी टू जीरो एंड सो ऑन, हमारे पास क्या था बी एम और बी एम जीरो ए वन जीरो ए टू जीरो एंड सो ऑन ए एन माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। हमें प्रूव क्या करना था, इसे जीरो प्रूव करना था ना। अगर ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस एम ये सारे के सारे जीरो है, देन सी क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ओके क्योंकि सी में जो स्केलर लिए थे हमने वो हमारे पास क्या थे, ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस, अगर सारे स्केलर जीरो है तो सी क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। ओके क्लियर। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है, एल सी इजिकल टू वी अपॉन डब्ल्यू। सेकेंड पार्ट प्रूव क्या करना है हमें, एल सी इजिकल टू वी अपॉन डब्ल्यू। अगेन हमें पता है कि लीनियर स्पैन जो भी सेट होता है वो हमेशा सबसे छोटा सेट होता है, तो वी नो दैट लीनियर स्पैन यानी एल सी कॉन्टेन करेगा वी अपॉन डब्ल्यू को।
हमें प्रूव क्या करना है, देन टू प्रूव v अपॉन w कॉन्टेन करना चाहिए एल सी को, यानी v अपॉन w में कोई भी वेक्टर लेंगे वो एल सी में भी होना चाहिए। तो हम v अपॉन w में वेक्टर ले लेते हैं, v अपॉन w में कोई भी वेक्टर लेना है तो वो किस फॉर्म में होगा, w प्लस के फॉर्म में। तो हमने क्या मान लिया, w प्लस अल्फा v अपॉन w का वेक्टर है, यहाँ पर अल्फा v का वेक्टर होगा ना, हमें w प्लस अल्फा को एल सी में प्रूव करना है, बिलोंग्स टू, ओके हमें w प्लस अल्फा को एल सी में प्रूव। अब देखो अल्फा किसका वेक्टर है हमारे पास, v का, v किसके इक्वल है एल एस के, एस डैश के इक्वल है, ये हमने किया था अभी पीछे। इट मीन्स v के वेक्टर को एस डैश के वेक्टर के लिए ना कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। एस डैश में वेक्टर क्या थे हमारे पास, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम, बीटा वन बीटा टू बीटा माइनस एम। इट मीन्स हम अल्फा को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस डैश, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू एस डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। हम स्केलर ए और बी ले चुके हैं तो हम क्या लेंगे, सी वन अल्फा वन सी टू अल्फा टू एंड सो ऑन सी एम अल्फा एम, कोई भी स्केलर आप मान सकते हो, डी वन बीटा वन डी टू बीटा टू एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। ओके अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन से अल्फा एम तक के वेक्टर, हम एस के थे ना, एस के अंदर वेक्टर क्या थे हमारे पास, अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एम, और एल एस किसके इक्वल था, डब्ल्यू के इक्वल था। इट मीन्स ये सारे वेक्टर किसको बिलोंग करेंगे, W को बिलोंग करेंगे, कि अगर हम S के वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखें तो वो W के किसी वेक्टर के इक्वल आएगा। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर गामा W का कोई वेक्टर है, इसका मीन्स क्या हुआ कि गामा को हम S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रहा समझ में, गामा को हमने मान लिया W का वेक्टर और W एल एस के इक्वल है, S के नंबर ऑफ वेक्टर अल्फा वन से अल्फा एम है। इट मीन्स गामा को हम S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास गामा के इक्वल हो जाएगा। गामा को एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं ना, या इसे एक वर्डिंग और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस प्लस में डी वन बीटा वन प्लस डी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। अल्फा इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस, यानी एल एस हो गया, ये क्या हुआ एल एस हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस यानी एस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन किसके को लाएगा, डब्ल्यू के वेक्टर के, प्लस में डी वन बीटा वन प्लस डी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। दोनों तरफ हम W को ऐड करते हैं, W प्लस अल्फा W प्लस गामा प्लस में डी वन बीटा वन डी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। अब देखो W प्लस गामा को अलग कर लिया क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन से, और W प्लस डी वन बीटा वन डी टू बीटा टू एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम, इसे हमने अलग कर लिया। अब गामा देखो, गामा अगर W का एलिमेंट है, अगर हम इस बिलोंग को इक्वल में कन्वर्ट करें तो क्या होता है हमारे पास, बिलोंग को इक्वल में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर W आ जाता है, यानी W प्लस गामा किसके इक्वल होगा, W के, तो W प्लस गामा की जगह W प्लस में W प्लस डी वन बीटा वन प्लस डी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। W प्लस W, W में W को ऐड करें तो W ही आएगा क्योंकि ये एक सबस्पेस है, प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस एंड सो ऑन D n माइनस m बीटा n माइनस m। बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन स्पेस, क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन लगाएं तो इसे हम लिख सकते हैं D1 W प्लस बीटा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं W प्लस डी वन बीटा वन प्लस W प्लस डी टू बीटा टू प्लस एंड सो ऑन W प्लस डी एन माइनस एम बीटा एन माइनस एम। यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ बार बार, प्लस डी वन बीटा वन, तो ये क्या आएगा डी वन डब्ल्यू प्लस बीटा वन,
डी टू डब्ल्यू प्लस बीटा टू प्लस एंड सो ऑन डी एन माइनस एम डब्ल्यू प्लस बीटा एन माइनस एम. ओके अब देखो हमें प्रूव क्या करना था. W प्लस अल्फा को हमें W प्लस अल्फा को बिलोंग करना चाहिए. W प्लस अल्फा एल सी को बिलोंग करना चाहिए. अब ये है क्या हमारे पास. देखो W प्लस बीटा वन W प्लस C के नंबर ऑफ वेक्टर हमने क्या लिए थे. C के नंबर ऑफ वेक्टर हमने क्या लिए थे. W प्लस बीटा वन W प्लस बीटा टू W प्लस बीटा एन माइनस एम. ये C के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना. W प्लस अल्फा किसके इक्वल हुआ. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सी. सी के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन. इट मीन्स डब्ल्यू प्लस अल्फा किससे बिलोंग करेगा. एल सी को बिलोंग करेगा. डब्ल्यू प्लस अल्फा हमारे पास किस में था. वी ए पॉइंट डब्ल्यू में था. हमने प्रूव कर दिया डब्ल्यू प्लस अल्फा को एल सी में. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वी ए पॉइंट डब्ल्यू कॉन्टेन करेगा एल सी को. सिंस एल सी हमें पता है कि कॉन्टेन करता है वी ए पॉइंट डब्ल्यू को क्योंकि ये लीनियर स्पैन है जो कि सबसे छोटा सेट होता है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा. वी ए पॉइंट डब्ल्यू एल सी के इक्वल हो जाएगा. हमने दो पार्ट प्रूव कर दे कर दिए. एक तो हैंस इफ सी इज एल आई सी एल आई है और सेकेंड सी एल सी इज इक्वल टू वी अपॉन डब्ल्यू. इसका मीन्स क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ वी अपॉन इसका मीन्स क्या हुआ. सी इज अ बेसिस ऑफ देयर फॉर सी इज अ बेसिस ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू. और अगर C बेसिस है तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन W नंबर ऑफ वेक्टर इन C आ जाएगा. C के नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या थे n माइनस एम. तो हम इसे क्या लिखते हैं. डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इजिकल टू n माइनस एम किसके इक्वल था. डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W जो कि हमें प्रूव करना था. ओके आगे समझ में थ्योरम. हमने डायमेंशन की थ्योरम लास्ट वीडियो में भी की थी और इस वीडियो में भी एक थ्योरम किया. मैंने एक एक थ्योरम इसलिए करवाई ताकि एक साथ अगर मैं आपको थ्योरम करवाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डायमेंशन की एक थ्योरम करवाई है और यहाँ पर भी डायमेंशन की एक थ्योरम करवाई है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना. अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ.